राजमा है, चावल है, ये थोड़ा बहुत ऊपर का क्या है तौर है, तौर को क्या बोलते हैं मलाई है, उसके बाद प्याज है, खीरा, जहाँ पर पूरा ये देखो काल बादल अभी ऊपर भी गया भी नहीं है, तो इसीलिए अभी धूप भी नहीं दिखाई जा रहा है। देखो ऊपर ऊपर तक पूरा पहाड़ियों में, छोटे छोटे पहाड़ों में अभी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है आज, है ना। सुबह धूप भी नहीं हो रहा है और बारिश भी नहीं हो रखा है, मतलब हवा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यारा भरा इस मौसम से, तो आज बहुत मज़ा आया। लिटरली आज का मौसम है ना, क्या ही बताऊँ क्या ही बोलूँ, तो मज़ा नेक्स्ट लेवल आ रहा है। लेकिन सुबह का जो मौसम है काफ़ी बढ़िया, मतलब खूबसूरत हो रखा है, ज़्यादा मतलब वो भी एकदम बहुत काला काला भी नहीं हो रहा है, उजाला हो रखा है, बट क्या हो रखा है, साफ हो रखा है मौसम। तो अभी क्या है, सोनी को जस्ट मैं ड्रॉप करके आया स्कूल में, अब मेरा काम है घर में जाकर। अभी मैं सुबह सुबह आज मैंने क्या राजमा बना के आया, तो आज छः राजमा का चावल। नेपाल में क्या है कि सुबह खाना का टाइम है 10 बजे से पहले पहले खाना खाते हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि 1-2 बजे क्या होता है लंच होता है, यहाँ पर 10-11 बजे के आसपास ही लंच हो जाता है। जहाँ पर पूरा ये देखो काला बादल अभी ऊपर भी गया भी नहीं है, तो इसीलिए अभी धूप भी नहीं दिखाई जा रहा है। देखो ऊपर ऊपर तक पूरा पहाड़ियों में, छोटे छोटे पहाड़ों में अभी तक ये बिल्कुल ख़त्म भी नहीं हो रखा है, तो इसीलिए ना मौसम भी बड़ा बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसा मौसम हो तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हाँ धूप भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा मौसम में है ना बाहर कुछ काम नहीं है, उस टाइम में ना कुछ काम है वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, तो तभी क्या ऐसा मौसम बढ़िया रहता है, अदरवाइज तो फिर मौसम ख़तरनाक ही हो जाता है ऐसा मौसम, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अभी शर्मी लग गई है धनिया लेने के लिए, तो अभी क्या है कि हमने राजमा बनाया रखा है ना, तो राजमा में धनिया डाल के थोड़ा खाने का मज़ा आता है, तो आज बनाने का टास्क मेरा ही है, तो मैंने बनाया राजमा। क्या हो गया आज गाय सर, बिना यहाँ पर वो लेके आया एक खीरा है, लोग अभी अभी जो तोड़ के लेके आया, और उसके बाद प्योर हरा धनिया, देखो कितना मज़ा आया इसमें, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, माँ कसम। लाइट्स गाइस, यार कसम से राजमा चावल देख रहे हो ना, माँ कसम राजमा है, चावल है, ये थोड़ा बहुत ऊपर का क्या है तौर है, तौर को क्या बोलते हैं मलाई है, उसके बाद प्याज है, खीरा है, और ये आम है, तो भाई ये खाने का मजा देख लो ना। हाँ क्या कॉफी? हाँ बनाओ, चलो आए, ये देखो ये बहुत खुश हो रखा है, यहाँ आए मतलब क्या कहते हैं, चलो अभी जो मक्का है, मक्का को थोड़ा बहुत खुदाई करना है, तो मतलब 2 बार खुदाई करता है, एक 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 और आना बोलते हैं, एक बार पहली बार करते हैं, उसके बाद अभी सेकंड बार करते हैं, तो सेकंड बार के लिए थोड़ा बहुत है। वो जो वहाँ पर जो बटरी है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये लंबा बड़ा वाला वही वाला है। चलो भाई मक्का इसमें खुदाई करते हैं, तो छोटा छोटा यहाँ पर डाल दिए ना, जो सफ़ेद दिए ये डालना पड़ती है मक्का में। चलो क्या होगा भाई तेरे को, मिट्टी तो बहुत खिलता है, चप्पल देखो। लेट्स गाइस, जो अभी हमारा टास्क क्या हुआ, ये जो ये वाला वो है, ये वाला भी हमें खुदाई करने का हमारा क्या हो गया, अभी फाइनल हो गया, लेकिन अभी नहीं, कल परसों तक हम खुदाई करेंगे, कल ही कर देंगे शायद। तो बाकी इधर वाला देखो, इसी एक ही उसमें खेत में, ये यहाँ पर कितना बड़ा है, उधर कितना छोटा है, तो अभी मैंने यहाँ पर जहाँ पर एकदम बहुत बड़ा बड़ा था, वो बड़ा बड़ा ख़त्म ही कर दिया, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट मैंने ख़त्म ही कर दिया, इतना ज़्यादा आप पहला है, तो ज़्यादा उतना नहीं है, तो बाकी ये वाला उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अभी के लिए
चल लेते हैं। बाय बाय जन। ओके चलो चल लेते हैं। कॉफी बनाया होगा साथ में, कॉफी को भी पीते या खीरा और लौकी भी देखते हैं कैसा हो रखा है। लौकी तो यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, खीरा तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा था। खीरा बहुत खाया, बहुत सच में यार बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, खीरा देखो बीचों बीच में लगाया हुआ इधर, काफी सेव करके रखा है ना हमने। नीचे है दांडा देखो, ये यहाँ भी है देखो छोटा छोटा, बहुत ज्यादा हो रखा है। इधर ये है, इधर भी है, यहाँ सबसे ज्यादा हो रखा है। इधर वो तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा हो रखा है। इस साइड में देखो बहुत खीरा है, इधर खीरा है कि क्या है। हाँ इधर भी है खीरा, छोटा मोटा खीरा देख रहे हो ना। बहुत खीरा खाया कसम से यार, अभी इस बार बहुत बहुत ज़्यादा खीरा खाया। खीरा को नेपाल में कांकरो बोलते हैं। हाँ खीरा कांकरो सारा वहाँ घर यही वाला बहुत है ना, एक दिन में हमें दो तीन का तीन तीन खीरा हम तोड़ते हैं फिर भी हमको कम पड़ती है खाने का, अभी आदत हो गया ना। बहुत मज़ा आता है खीरा खाने का। हाँ लोकल चलो हाथ उठ धो भी गया, फ्रेश भी हो गया, अब अपना ये औजार भी क्या कर लिया सही जगह रख दिया। अब थोड़ी देर क्या करते हैं कॉफ़ी पीते हैं यार, उसके बाद फिर सोनिका का फिर दोबारा पिकअप करने के जाने का, 4 बजने वाला है तो फिर सोनिका का दोबारा पिकअप करने के जाने का टाइम हो गया। 4 बजते सुबह 10 बजे छोड़ना है, 4 बजे क्लास ब्रेक होती है, क्लास 1 तक तो 3 बजे ब्रेक हो जाती है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास इधर। ये मेरा बंदा है आज बंधन इसने किया है, अब दोनों मिलकर पूरा फ्री फायर खेलेंगे, देख रही हो ना गाइस, ये हम मेरा स्क्वाड है ये मज़ा आएगा भाई। चलो अभी थोड़ी देर फ्री फायर खेलेंगे, अभी जस्ट मैं भी फुटबॉल खेल के आया, काफ़ी मज़ा आया, एकदम फ्रेश हो गया। अभी थोड़ी देर बाद खाना वगैरह खाएंगे, अब उससे पहले थोड़ी देर क्या करेंगे फ्री फायर वगैरह खेलेंगे। मेरे यहाँ पर तीन वो है, तीन बंदा है, हम स्क्वाड है। ओके लेट्स प्ले। गाइस अभी आज भी शाम क्या है, राजमा है और ये घिया का सब्जी प्लस यहाँ पर थोड़ा चटनी है, चटनी फटाफट खाना खाते हैं। वाह खीरा, चलो गाइस आप फटाफट खाना खाते हैं तो लाओ भाई आम थोड़ा बहुत खीरा, खीरा और लाओ थोड़ा और एक पीस, वन मोर पीस प्याज खीरेगा। ओके गाइस चलो खाना खाते हैं। ओके गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, आज चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले नया वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।